जब आप पहले इस पोस्टर को देखेंगे तो आपको एक गुस्से से भरा आदमी दिखेगा जो अपनी उंगली हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है, जैसे कि वो हमसे गुस्सा है। पर ऐसी कई डिटेल्स है इस पोस्टर में जो शायद हम मिस कर देंगे, जैसे ये गिरता हुआ खून, ये खोपड़ियों का ढेर, ये लाशें और पोस्टर में दी गई हुई कई डेट्स। 1765 ढाका का अत्याचार, 1919 अमृतसर हत्याकांड, 1857 और 1918। पर इस पोस्टर के बीच में जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो इसके मैसेज को क्लियर कर देता है। गौरवपूर्ण स्वाधीनता, खून के इतिहास का परिशोध। ये पोस्टर्स एयरड्रॉप करे थे जापानीज आर्मी ने असम पर 1944 में, इंडियंस को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। इस दौर में एलाइज और एक्सिस पावर्स के बीच में एक वॉर के अंदर वॉर चल रही थी, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, और ये पोस्टर उसी सब वॉर का पार्ट था। अब ये समझने के लिए कि इन पोस्टर्स में क्या कहा जा रहा है, हमें 1939 में जाना होगा। 3 सितंबर 1939 में रात के 8:30 बजे वाइसरॉय लॉर्ड लिथिंगाओ ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से यह अनाउंस किया कि ब्रिटेन अब जर्मनी के साथ वॉर में है, और क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी है, इंडिया को भी इस वॉर में शामिल होना होगा। पर यह डिसीजन लेने से पहले उन्होंने किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को कंसल्ट नहीं किया था, और वर्ल्ड वॉर टू के इशू पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स 3 भागों में डिवाइडेड थे। एक तरफ थे गांधी जी, जो अपने नॉन वायलेंट बिलीफ की वजह से ये कह रहे थे कि वो किसी को भी इस वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका ये मानना था कि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट देंगे अगर वॉर के बाद वो इंडिया को अपनी फ्रीडम की गारंटी दे सकते हैं तो। और तीसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जो ये मानते थे कि एनिमी ऑफ एन एनिमी इज अ फ्रेंड, इसीलिए उन्होंने जापानीज और जर्मन फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करके एक आज़ाद हिंद फौज बनाई ताकि इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके। पर जब कांग्रेस लीडर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशंस नाकाम रही तो कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करी 1942 में, जिसकी वजह से कई कांग्रेस लीडर्स जैसे गांधी, नेहरू और पटेल को जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी का वॉर में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा ईजी हो गया। दोनों ही पावर्स के लिए इंडिया की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी। मिलिट्री लीडर्स एग्री अलाइड ट्रूप्स आर नीडेड इन इंडिया एज एन इफेक्टिव ब्लॉक बाय द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड टू कीप द नाज़ीज़ एंड जैप्स फ्रॉम यूनाइटिंग। जापानीज फोर्सेस ने थाईलैंड को कैप्चर कर ही लिया था, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी बर्मा में हरा दिया था, जिसका मतलब ये था कि उनका नेक्स्ट फ्रंटियर इंडिया कुछ ही कदम दूर था, क्योंकि इंडिया की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। और अब सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज भी जापान के साथ कोऑपरेट कर रही थी, इसलिए जापानीज इंडियंस को कन्विंस करना चाहते थे कि उनको जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ नहीं बल्कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा वॉर स्टार्ट करी ब्रिटेन के खिलाफ पोस्टर्स के माध्यम से। रघु कर्नद, एक इंडियन जर्नलिस्ट, ने अपनी एक बुक में ये कहा कि जब जापानीज ने रंगून को कैप्चर कर लिया था तो ऐसे ही कई प्रोपेगेंडा मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ये पोस्टर बस एक एग्जाम्पल है जापानीज प्रोपेगेंडा का। इन पोस्टर्स को जापानीज में डेंटान कहा जाता था, और ये कई टाइप्स के थे। कुछ ये दिखाते थे कि ब्रिटेन और उनके एलाइज इंडियंस को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे इस पोस्टर को देखिए, जहाँ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन और विंस्टन चर्चिल वो इंडिया को इस वॉर में पुश कर रहे हैं, और इस पोस्टर की लास्ट लाइन कहती है कि हम इनकी मीठी बातों में फंसने वाले नहीं हैं। दूसरे पोस्टर्स ये दिखाते थे कि सारे ही एशियन कंट्रीज एक कॉमन एनिमी को फेस कर रही हैं, जैसे इस पोस्टर में है बर्मीज, जापानीज और इंडियंस जो ब्रिटिशर्स को लात मार रहे हैं, और ये पोस्टर दिखाता है एक ब्रिटिश कैरेक्टर जो शायद विंस्टन चर्चिल है, जो इंडियंस से भाग रहे हैं। और पोस्टर में ये लिखा गया है कि पूर्वी एशिया की जाति उठ खड़ी हुई है, दुष्टों का नाश करके गुलामी को हटा दो। इन पोस्टर से एक बात जो क्लियर है वो है कि ये पोस्टर्स इंडियंस को एक अर्जेंट एक्शन लेने के लिए उकसा रहे हैं। जैसे इस पोस्टर में एक तरफ बर्मीज लोग ब्रिटिशर्स को पीट रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडियंस अभी भी उनकी चापलूसी कर रहे हैं। इन पोस्टर्स में कई मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स को भी डिस्क्राइब किया गया है, पर इनडायरेक्टली। जैसे ये पोस्टर दिखाता है कि विंस्टन चर्चिल बहुत ही शानो शौकत से खाना खा रहे हैं, जबकि टेबल के नीचे कई इंडियंस भूख से मर रहे हैं। ये शायद 1943 के बंगाल फैमिन के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था, जहां लाखों लोगों की मौत हुई थी जब ब्रिटिशर्स ने अनाज को अपने वॉर के लिए डिवर्ट कर दिया था। इन पोस्टर्स में ये भी दिखाया गया कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इस जापानीज प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोपेगेंडा पोस्टर्स भी बनाए। डॉक्टर अरुण कुमार भट्ट ने अपनी बुक में ये भी बताया कि ब्रिटेन ने एक सब डिविजन क्रिएट किया था अपनी आर्मी में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, जो उस प्रोपेगेंडा के लिए जिम्मेदार था। जैसे ये पोस्टर दिखाता है कि एक ब्रिटिश सोल्जर, एक अफ्रीकन सोल्जर और एक सिख इंडियन सोल्जर एक साथ मार्च कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ब्रिटेन की सारी कॉलोनीज ब्रिटेन के साथ एकजुट है।
पर सबसे इंटरेस्टिंग ब्रिटिश प्रोपेगेंडा पोस्टर ये वाला है। इसकी डिटेल्स को नोटिस करें, इधर चार लोग हैं, शिवाजी, अकबर, महाराणा प्रताप और बंदा बहादुर। ये इंडियन सोल्जर्स हैं जो एक राक्षस को अटैक कर रहे हैं, जहां लिखा है जर्मनी, जापान और इटली। और इस राक्षस ने एक महिला को पकड़ा हुआ है जो शायद भारत माता का एक सिंबल हो सकता है। यानी कि ये चार ऐतिहासिक योद्धा अपनी दुआ दे रहे हैं इंडियन सोल्जर्स को, ताकि वो जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ लड़ सके। पर जब आप जापानीज और ब्रिटेन पोस्टर्स को ध्यान से देखोगे, आपको एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस दिखेगा। दिखा आपको? इस पोस्टर में इस आदमी ने कोई शर्ट नहीं पहनी हुई। इस पोस्टर में जो इंडियंस हैं, वो उस अंग्रेज आदमी के जूते साफ कर रहे हैं या फिर उनको बियर सर्व कर रहे हैं। इस पोस्टर में है गरीब आदमी खाली प्लेट के साथ। यानी कि जो मोस्ट जापानीज पोस्टर्स हैं, वो एक आम आदमी को एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। जबकि इस ब्रिटिश पोस्टर को वापस देखिए, ये चार योद्धा जो हैं, वो किन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं? मराठा, मुस्लिम्स, राजपूत और सिख। सारी कम्युनिटीज जो मार्शल कम्युनिटीज हैं, यानी कि वो कम्युनिटीज जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में डोमिनेट करती थी। और ये चीज हम उन पोस्टर्स की लैंग्वेजेस में भी देख सकते हैं। जैसे इस पोस्टर में मराठी का उपयोग किया है, जबकि जापानीज पोस्टर्स में ज्यादातर हिंदी या बंगाली को यूज किया गया है। ये याद रखिए कि बंगालीज का इंडियन आर्मी में रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम था, और वो जापानीज पोस्टर्स जो आर्मी के लिए बनाए गए थे, उनमें भी हिंदी या उर्दू का उपयोग हुआ है। जैसे आंचल मल्होत्रा अपने आर्टिकल में लिखती हैं कि इन पोस्टर्स में गुरमुखी या नेपाली इतनी नहीं दिखेगी, क्योंकि शायद जापानीज ये मानते थे कि सिख्स या गोरखास को वो ज्यादा कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1857 के बाद इन कम्युनिटीज के सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में बहुत लॉयल थे। ये पोस्टर्स बस इंडिया में ही काम नहीं आए थे, बल्कि सारी मेजर पावर्स ने ऐसे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स को यूज किया था। जैसे इस अमेरिकन पोस्टर में हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ये बताना चाहती है लोगों को कि उनको ज्यादा आर्मी के बारे में कुछ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि हिटलर भी उनकी बात सुन सकते हैं। और ये शायद सबसे फेमस अमेरिकन पोस्टर था जहाँ आर्मी लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश कर रही थी। पर जो पॉपुलैरिटी थी इन प्रोपेगेंडा पोस्टर्स की वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, वो ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताती है। ह्यूमंस बहुत इमोशनल क्रिएचर्स हैं, और ये सारे ही पोस्टर्स हमारे इमोशंस को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये पोस्टर है जलियांवाला बाग के बारे में, जहाँ एक महिला ने लाश उठा रखी है, और ये महिला शायद भारत माता को सिंबलाइज कर रही है, ताकि इस पोस्टर के जरिए इंडियंस में एक नेशनलिज्म की फीलिंग प्रोड्यूस होए। सेकेंडली, हम ह्यूमंस बहुत विजुअल प्राणी हैं, इसीलिए इन पोस्टर्स में ब्राइट कलर्स यूज किए गए हैं। और फाइनली, हमारा ब्रेन ये चाहता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिखाई जाए, और ये पोस्टर्स एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एक ब्लैक एंड वाइट एनवायरनमेंट में तब्दील कर देते हैं। जैसे इन पोस्टर्स में जहाँ जापानीज बुरे हैं और अंग्रेज अच्छे, और ये पोस्टर्स बाय चांस इन सारे पॉइंट्स को कवर नहीं करते थे, बल्कि जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल महमूद खान दुरानी ने अपनी बुक में बताया, बकायदा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि ऐसे पोस्टर्स बनाने कैसे हैं। जैसे जापानीज प्रोपेगेंडा के लिए ये बताया गया था कि इन पोस्टर्स में कलर यूज करना है, जो लोकेशन है उन पोस्टर्स की, उनसे सोल्जर्स को अपने घर की याद आनी चाहिए, और सुंदर महिलाओं की पिक्चर्स यूज करनी चाहिए इन पोस्टर्स में, ताकि सोल्जर्स इन पोस्टर्स को बार बार देखें। इसलिए हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए ये जानकर कि कुछ हद तक ये पोस्टर्स इफेक्टिव भी थे। जैसे यास्मीन खान, एक हिस्टोरियन, ने अपनी बुक में ये बताया कि इंडियन सोल्जर्स को अंग्रेजों ने कहा था कि उनको ऐसे जापानीज और जर्मन प्रोपेगेंडा पोस्टर्स को इग्नोर करना है, पर इसके बावजूद इन पोस्टर्स का उन पर बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि ये सारे ही पोस्टर्स उनके वीक स्पॉट्स को टारगेट करते थे, उनके घर और उनके परिवार की याद दिलाकर। और ऐसा ही प्रोपेगेंडा अब हमारी मॉडर्न एज में भी फैलाया जाता है, जहाँ फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप नए माध्यम बन गए इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, और ये प्रोपेगेंडा डिजिटल एज में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पर हम चाहे डिजिटल एज में क्यों ना हो, कई टेक्निक्स अभी भी सेम ही है। जैसे इस पोस्टर में लिखा है, वो भारतीय जो अमृतसर की घटना को याद करने पर भी उत्तेजित नहीं हो सकते, वो भारतीय नहीं है। अब इस फेक वीडियो को देखें मेक्सिको से, जो ट्विटर में स्प्रेड किया जा रहा था, जहां ये लिखा गया था कि केरल में हो रहे आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के वीडियो देखने के बाद, जिस हिंदू का खून नहीं खोले, खून नहीं वो पानी है। तो हम इस चीज से बस यही समझ सकते हैं कि प्रोपेगेंडा में चाहे कैरेक्टर्स बदल जाएं, हमारा बेस्ट डिफेंस यही है कि हम अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखें।